स्थापित करने के लिए सोने का कलश भेंट किया गया है। इसी के साथ ही 10 करोड़ रुपए दान की राशि भी दी गई है। तो एक तीर धनुष और इसी के साथ ही कलश भेंट किया गया है जो कि सोने का है। हिंदू की आदत है माथा टेकने के बाद पैसे चढ़ाता है और वहां डॉलर चढ़ेंगे। ये कुछ मूर्तियां इस तरह की बनी है जिनमें लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति है जो सिर्फ अकेली वो मूर्ति 500 करोड़ रुपए की मालियत की है। और 8 किलो के जूते और फिर वो जो तीर कमान और इसके साथ हीरे जवाहरात और 5,000 अमेरिकन डायमंड्स का राम टेंपल का नेकलेस भी जो है भगवान राम को जी गिफ्ट किया गया है। इंडिया में टेंपल्स हैं उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है, उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट में पूरी पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है, तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। भगवान राम की भव्य मंदिर निर्माण हो तो ठाकुर जी से निवेदन के लिए इस शिखर पे स्वर्णमय कलश स्थापित की जाएगी। तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। शायद हम अपनी किताबों में पढ़ा करते थे कि भारत के मंदिर ऐसे हुआ करते थे, आज भारत वो बता रहा है कि वो हुआ करते नहीं, वो एक्चुअली है। दान पात्र होता है उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी यूज टू डोनेट गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, वहाँ सोना भी। लोग बोलते हैं कि जब आप जुम्मे वाले दिन या ईद वाले दिन नमाज पढ़ने जाओ तो घर के सब से मतलब के ठटारा जूती पहन के जाओ, जो चोरी भी हो जाए दुख ना हो। एक बात आई, हमारे यहाँ मंदिर में कितना पैसा होता होगा आप बताइए, एक बड़े मंदिर में? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, हद 50 लाख। एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जो सर मैंने पता नहीं कहां से सुना था, मुझे वो मतलब पिक्चर मेरे जहन में पूरी नहीं आ रही है। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेंपल्स हैं उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है, उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट में पूरी पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है, तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तभी आप लोगों को मौका मिले ना तो इंडिया आए, और इंडिया आकर तिरुपति बालाजी मंदिर होके आए, और ये साउथ के, तो वहां आपको एक तालाब मिलेगा, वो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, मतलब चढ़ा के आते हैं। तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी यूज टू डोनेट गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, वहां सोना भी। सर रफ चप्पलें चोरी हो जाती हैं, यकीन करें। ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने पर के लिए जाते थे ना आज 2 साल पहले, तो यकीन करें वो रफ चप्पल ईद वाले दिन पहन के जाते हैं कि कहीं चोरी हो। तो मस्जिद के अंदर जो कूलर पानी वाला कूलर होता है उसके साथ भी जंजीर में ताला बंधा होता है कि ग्लास कोई ना उठा ले। देखिए वो तो थोड़ा बहुत किसी टाइम पर इंडिया में भी होता था, अब वो काफी हद तक चेंज हो चुका है, माइंडसेट चेंज हो जाता है ना। देखिए आपको कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा मिल जाती है तो उसके बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। जूते चप्पल चोरी होना और चेन का डब्बे में या कूलर में चेन बांध के रखना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, लेकिन गोल्ड को चढ़ाना या आप, मैं जो फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे यहाँ साउथ में एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गेट्स खुले थे, गेट्स तहखाना जो होता है ना मंदिर के नीचे उसमें गेट्स खुले थे, तो 6 स्टोर थे, ट्रेजरीज थी, जिसमें से 5 का गोल्ड निकला था, और 5 में 5.7 या 8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड था। 5.7 या 5.8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड सिर्फ एक टेम्पल से था, सिर्फ एक टेम्पल से। और वो जो इतना गोल्ड था वो आपकी पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी का
गवर्नमेंट मतलब पूरी इकोनॉमी से ज्यादा है वो, सिर्फ एक मंदिर में। वो एक मीम है, ए देना, ए रे देना। अब उसके बाद अगर आप तिरुपति पर आरजू मैम की एक बात को कोट करूंगी, वो उन्होंने एक ट्वीट किया था और वो कह रही थी कि दादाजी ने वॉट लगा दी। तो मैं भी यही पे कहूंगी दादाजी ने वॉट लगा दी। तो आप इस चीज को समझिए, अगर आप इस चीज को देखेंगे, हमारे यहाँ तिरुपति बालाजी हो गया, शिरडी साईं बाबा हो गए, पूरी टेम्पल हो गए। अब अच्छा एक बात है, अयोध्या टेम्पल है, अयोध्या के अंदर मंदिर बन रहा है, बना है। इनका रेवेन्यू एस्टिमेटेड अमाउंट जो था वो अप्रोक्सीमेट 1000 करोड़ रुपीज लगना था एक टेम्पल में, कि एक मंदिर बनाने में 1000 करोड़ रुपीज हम लगाने वाले थे, यानी पाकिस्तानी रुपी में कन्वर्ट करें तो आज के हिसाब से 3000 करोड़ रुपीज। लोगों से कहा दान दो, लोगों ने दान देना शुरू किया, कितना इकट्ठा हुआ होगा, 2500 करोड़ रुपीज तो कुछ दिन में, 2-3 दिन में इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद गवर्नमेंट ने मतलब जो ट्रस्ट है उसने साफ मना कर दिया कि देखो अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है, होगी तो हम बता देंगे, अभी पहले जरूरत से ही बहुत ज्यादा आ गया, इसको हैंडल करने दो पहले। आप इससे अंदाजा लगाइए, टेम्पल इज एन इकोनॉमी हियर, टेम्पल इकोनॉमी को समझिए। टेम्पल इकोनॉमी हमारे यहां एक एक शहर में एक एक मंदिर जो होता है उसके आसपास 10-10, 20-20 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। और वो जो 20-20 और उसके बाद पैसा जो बाहर खर्च होता है, जो मंदिर में खर्च होता है, दोनों अलग है। और इतना अब इससे अंदाजा लगाइए, हमारे यहां हम कुछ भी कमाएंगे, जैसे आपके यहां होता है ना जकात, आपके यहां तो जकात पता नहीं कितनी देते हैं, बहुत फ्रैक्शन अमाउंट होता है। हमारे यहां जो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से पैसा दिया जाता है, टोटल इनकम का 10% हम लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं, दान कर देंगे, गरीब बच्चों की शादी करवा देंगे, खाना पीना खिला देंगे, कुछ भी करेंगे, अप्रोक्सीमेट 10% जो भी थोड़ा सा ठीक होता है। 10% का मतलब आप सोचकर देखिए कि कितना हो जाता है मंदिरों के अंदर, सोचिए। ये अमाउंट इसलिए नहीं है कि हम मतलब ये नियत है कि ठीक है यार, और उससे इकोनॉमी घूमती है। छोटा भी अगर ठीक ठाक मंदिर भी है तो भी कम से कम आपको 100-200 बंदों को रोजगार देता हुआ मिलेगा। और अगर वो बड़ा मंदिर है, जैसे अगर हम अयोध्या मंदिर की बात कर रहे हैं, वहां कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बहुत कई सालों की हिस्ट्री देखे, मुगल एम्पायर से पहले की बात करें और अब जब भारत आजाद है तब की बात करें, तो दोनों में फर्क ये है कि जी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है जी। और दुनिया का 11% गोल्ड तो सिर्फ भारतीय विमेंस के पास है, अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब ये जो है गोल्ड, और जो दिवाली में गिफ्ट दिए जाते हैं ये सिर्फ विमेन की बात करें। हाँ। गोल्ड के रिजर्व तो ज्यादा गवर्नमेंट के पास भी होते हैं, और 8 किलो के जूते और फिर वो जो तीर कमान और इसके साथ हीरे जवाहरात और 5,000 और अमेरिकन डायमंड्स का राम टेम्पल का नेकलेस भी जो है भगवान राम को जी गिफ्ट किया गया है। इसके अलावा वो कुछ जो शायद हम अपनी किताबों में पढ़ा करते थे कि भारत के मंदिर ऐसे हुआ करते थे, आज भारत वो बता रहा है कि वो हुआ करते नहीं, वो एक्चुअली हैं। और जैसे पाक मीडिया यूट्यूबर्स भी हमने देखे बात कर रहे थे मस्जिद की, यस ये बड़ा एक शेमफुल एक्ट होता है जी कि एक ऐसी स्पिरिचुअल जगह जहां पर लोग अपने खुदा से कनेक्ट होने आते हैं और आप उनकी कीमत सामान वहां से चोरी करते हैं। मेरे बाबा के साथ भी ऐसा हो चुका है, एक दफा नहीं, ईद की नमाज में ये बहुत, या जुम्मे के दिन एक दफा नहीं कई बार हो चुका है कि जूता जो है चोरी हो जाता है।